कुछ दिन से हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, पर आज ठीक हूँ, आज एक्टिव हूँ। तो इस वीडियो में क्या बताना चाहता हूँ मैं एनालिसिस के बारे में। देखो, मेरे चैनल पे एनालिसिस का बहुत बड़ा रोल रहा है। पिछले साल भी मैंने बहुत एनालिसिस की है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ईयर वाइज, चैप्टर वाइज, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन है ना, कौन सा क्वेश्चन कितनी बार रिपीट होता है। और फिजिक्स की तो सबको पता ही है ना कितने क्वेश्चन उसमें से रिपीट हुए हैं। और जिसको फिर भी नहीं पता कि ये किस एनालिसिस की बात कर रहा है, तो नीचे मैं वीडियोज़ के लिंक दे रहा हूँ, एक दो वीडियोज़ को वो देख लो, आपको पता लग जाएगा। देखो, सीधी सी बात है, फ्यूचर का तो हम बता नहीं सकते, पर पिछले 8, 9, 10 पेपरों में, 10 सालों में जो हुआ है उसके हिसाब से थोड़ा तो हम आइडिया लगा सकते हैं, है ना। तो इसी हिसाब से देखो, मैंने कहीं एनालिसिस कहीं गूगल से नहीं उठाई, कहीं यूट्यूब से नहीं उठाई, है ना, किसी इंस्टीट्यूट से नहीं उठाई, डायरेक्ट खुद खुद पेपर, एक एक पेपर को देखा है, एक एक क्वेश्चन को लिखा है खुद, है ना, फिर वो एनालिसिस तैयार की है ना। इस साल तो जाहिर सी बात है, मैं डायरेक्ट बताता हूँ आपको, मेरे को ज्यादा मेहनत उसमें लगने नहीं वाली। क्यों? क्योंकि 2020 तक तो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, मेरे को सिर्फ 2021 का अपडेट करना है। तो सारी एनालिसिस दोबारा आएंगी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, है ना, चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज, कौन सा क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ, सारी दोबारा आएंगी इस साल भी नीट 2022 के लिए। और फिजिक्स की बात कर लें, देखो फिर से वही है, फ्यूचर का तो हम बता नहीं सकते, पर पिछले 10 सालों के बेसिस पे मैं ये ज़रूर बोल सकता हूँ कि उस वीडियो से 10 से ऊपर क्वेश्चन फिजिक्स के आते हैं। 10 से ऊपर का मतलब है 40, 45, 50 नंबर के ऊपर आपका वहाँ से ही हो जाता है कि आपको पहले से पता था। देखो, बात सिंपल सी है, अब पता सबको ही है कि पूरा सिलेबस करना है ना। देखो, अब पता सबको है फिजिक्स का पूरा सिलेबस करना है, पर मैं ये बोल रहा हूँ कि उसको बस इतना ध्यान में रख के करना कि हम पूरा सिलेबस करते हुए ये ध्यान में रख के करें कि हाँ, ये क्वेश्चन हर बार आता है, तो इस पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस दें ना। तो मेरा टारगेट यही है कि आपको पहले से ही वो चीज़ मैं पकड़ा दूं कि भाई डी ब्रोगली वेवलेंथ का क्वेश्चन, YDSC का क्वेश्चन, है ना, ये क्वेश्चन, बोहर मॉडल का क्वेश्चन, ये हर बार आता है, तो कृपया करके इस पर थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान दिया जाए, है ना। और ये मेरी एनालिसिस मैं जो बनाऊंगा, है ना। और फिर भी अगर किसी को लगता है कि ये एनालिसिस भी बननी चाहिए, तो वो कमेंट कर दे नीचे, मैं उस पर फिर फोकस करूंगा ना, जिसका मेरे को लॉजिकल लगा कि हाँ, ये बंदा थोड़ा नया आइडिया लाया है और ये एनालिसिस भी बननी चाहिए, यूजफुल है, तो मैं उसके ऊपर भी काम करूंगा, है ना। तो बेसिकली अपना एनालिसिस वाला शुरू होगा, और अपना बायो का चैप्टर तो वो कल से शुरू हो जाएंगे, लोको मोशन एंड मूवमेंट के साथ। ठीक है, थैंक यू।